हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट मैं यहां पर आपको देने वाला हूं, जो कि सीरियल की स्टोरी को लेकर है, इसी के साथ ही सीरियल की नई लोकेशन को लेकर भी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब सीरियल्स के मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब सीरियल में एक नई शुरुआत आपको दिखा ही दी जाए। अब ये सब कुछ कैसे होने वाला है आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार पहुँचाता रहता हूँ। और 77% लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं सीरियल की नई लोकेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है उसकी शूटिंग सबसे पहले मुंबई में हो रही थी, और लगभग सभी सीरियल्स की शूटिंग जो है मुंबई में होती है। उसके बाद दोस्तों कोविड के केस जो है मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एंड वहाँ पर शूटिंग वगैरह को बंद करना पड़ा, जिसके बाद सभी जो शूटिंग करने वाले थे कोई गोवा गया तो कोई हैदराबाद गया, और कुछ लोगों ने राजस्थान के बीकानेर में भी शूटिंग स्टार्ट की, जिसमें पांड्या स्टोर जैसे सीरियल शामिल थे। अब ऐसे में दोस्तों गुम है किसी के प्यार में जो है वो सीधे गोवा में शिफ्ट हो गया था, और बायो बबल का वादा उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से किया, जो भी वहाँ पे रक्षक ध्यान रखने वाले होते हैं उनसे कहा कि भैया हम बायो बबल में शूटिंग करेंगे। लेकिन गुम है किसी के प्यार में के सीरियल के मेकर्स जो है अपने सीरियल्स के टाइटल के साथ साथ अपने इस बायो बबल के सिस्टम को भी वहाँ पर भूल गए, क्योंकि सीरियल में से प्यार तो गुम हो ही चुका है लेकिन उन्होंने वहाँ पर बायो बबल का उल्लंघन भी कर दिया। ऐसे में उन्हें वहाँ से शूटिंग छोड़कर जाना पड़ा गोवा से भी। अब ये बायो बबल का नियम जो है वो कहाँ पर टूटा मैं आपको बताता हूँ। याद होगा वो सीन जब विराट को गोली लगती है मिशन के दौरान, तो वो गोवा के गोवा फोर्ट में वो शूटिंग की गई थी, और ये पूरी तरीके से वो जो बायो बबल था उसका उल्लंघन था, क्योंकि बायो बबल के बारे में आपको पूरी डिटेल में बात बता चुका हूँ, आपको चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि पूरी एक जगह को कंफर्म कर दिया जाता है, उसके बाहर ना तो आप आ सकते हैं ना ही अंदर जा सकते हैं, ना ही अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, ना ही बाहर का कुछ खा सकते हैं, ना ही कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी कड़े नियम वहाँ पर लागू होते हैं, लेकिन विराट की जो मिशन था उसे दिखाने के लिए उन्होंने बायो बबल तोड़ दिया और गोवा फोर्ट में शूटिंग कर डाली, और इसी कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ की संस्था जो थी, उन्होंने कहा कि भैया अब निकलो बहुत हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों उन्हें एक बार फिर से शूटिंग चेंज करनी पड़ी, लोकेशन चेंज करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सीक्रेटली अपनी शूटिंग को चालू रखा, और फिर काफ़ी रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि उन्होंने गोवा के बाद अब हैदराबाद में शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब ऐसे में दोस्तों फाइनली कोविड के केस जो है आप सभी की दुआओं से, ऊपर वाले की कृपा से, कोविड के केस अब इंडिया में बहुत कम हो गए हैं एंड सेकेंड वेव जो है वो अब नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी कारण जो मुंबई है उसमें जो पाबंदियां थी शूटिंग वगैरह को बंद करने की, उन्हें हटा दिया गया है, और एक बार फिर से सीरियल गुम है किसी के प्यार में की जो स्टार कास्ट है धीरे धीरे अब मुंबई की ओर रवाना हो रही है। यानी कि जिसका पैकअप हो गया है शूटिंग में, यानी कि एक टाइम की शूट उन्होंने पूरा कर लिया है, उनको कहा है कि आप वहाँ जाइए, और धीरे धीरे अब वो मुंबई जाने लगे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब सीरियल में अब एक नई लोकेशन के साथ नई शुरुआत भी आपको देखने को मिलेगी। कारण ये है कि फिर से आपको वही भव्य चौहान निवास देखने को मिलेगा, सीरियल के वही पुरानी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, और हो ना हो दोस्तों जहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पर हमेशा ही अपना काम हमेशा बेस्ट होता है, और अचानक से अगर कोई लोकेशन चेंज करा दे तो प्रॉब्लम्स होती है एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यही कारण था कि इस सीरियल को इतना ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आया सीरियल में, इतनी बोरिंग हो गया सीरियल की बायकॉट करने की मांग लोगों ने कर दी, और इसी के कारण अब आपको मैं बताऊंगा कि न्यू स्टोरी लाइन भी अब यहां से आपको शुरू देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग बोलेंगे कि शूटिंग की लोकेशन चेंज हुई है, स्टोरी कैसे चेंज हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो नई लोकेशन पर जो शूट किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि जो अब तक वहाँ जिस लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे, जिस रिसॉर्ट होटल में वो बायो बबल में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर वो सई और विराट की जो लड़ाई वाला जो पूरा सीन है वो शूट करेंगे। यानी कि उन्होंने ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो अपने पुराने लोकेशन पर छोड़ के जाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि विराट और सई के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी आपको देखने को मिल रहे थे, पब्लिक बहुत परेशान थी इन सब चीज़ों से।
ऐसे में दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो पुरानी लोकेशन है वहाँ पर शूटिंग उन्होंने की है, उस जगह तक जहाँ पर सई और विराट के बीच में एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो नई शुरुआत है, नई स्टोरी लाइन है, वो आपको पुराने चव्हाण निवास से एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा तो गया है, लेकिन इसी के साथ ही कई लोग ऐसा बता रहे हैं जो कि शूटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि इतनी जल्दी फिर से सेट को, मतलब पुराने सेट में भी काफ़ी खामियां होती है क्योंकि पूरा पक्का तो बनाया नहीं जाता है, लकड़ी वगैरह एंड काफ़ी अलग अलग मटेरियल से बनाकर वो इस पूरा लोकेशन रेडी करते हैं, तो उसको तैयार करने में भी ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आई होप जो नई स्टोरी लाइन है वो मुंबई की फिल्म सिटी से ही, पुराने चव्हाण निवास से ही, पुराने नागपुर से ही शुरू होगी और सीरियल में नई कहानी शुरू होगी जहां पर आपको फाइनली शिवानी मौसी की स्टोरी एक बार फिर से शुरू होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि शिवानी मौसी का ट्रैक तो आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसे मैंने आपको बताया भी था कि एक कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा था कि वो अभी तक शूटिंग करने के लिए वहाँ पहुँची नहीं है, तो इसका कारण भी अब लगभग आप समझ गए होंगे कि अब जब वो सारे के सारे मुंबई आ रहे हैं तो शिवानी मौसी मुंबई छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाएगी शूटिंग के लिए। और इसी कारण दोस्तों उन्होंने भी अपनी लोकेशन चेंज नहीं की, क्योंकि शायद वो भी अब अपने पुराने सेट पर ही फिर से लौटेंगी मुंबई में ही, और वहीं से ही अपनी जो शूटिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सीरियल गुमे किसी के प्यार में फैंस को ले के लिए जो है बहुत सारी अच्छी खबर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि फाइनली लड़ाई वाले चैप्टर जो है इस वीक में एंड हो जाएंगे एंड उसके बाद दोस्तों आपको नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बताता आया हूँ मैं कई लंबे समय से, पिछले कई सप्ताह से बताता आया हूँ कि आपसे जो एक से दो महीने बाद जो है काकू का व्यवहार जो है और घर वालों का व्यवहार जो है वो सई के प्रति अच्छा हो जाएगा, और आई थिंक उसकी शुरुआत भी अब हमें जल्द ही देखने को मिले, नहीं तो पब्लिक का गुस्सा तो सीरियल्स के मेकर्स देख ही चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे जुड़ा तो मेरे साथ सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट यहाँ पर मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।